please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अनगढ़ मिट्टी से हीरा निकला, तराशा गया और इस चमकते दमकते सितारे के लिए 2018 के आईपीएल के लिए 3 करोड़ की महंगी बोली भी लगी। लेकिन चंद पलों में इस किरदार की काबिलियत किस्मत करिश्मे के पुराने किस्से जैसी एक कलंक कथा में बदल गए हैं। भारतीय गेंदबाजी के पोस्टर पर इस चेहरे के चमकने में अरसा लगा था, लेकिन चमकते चेहरे पर बदनामी का दाग लगने में महज कुछ पल। एक नंबर का औरतबाज आदमी है ये, शुरू से लेकर अब तक इसका इसको नशा है औरत की, बहुत बहुत प्रोस्टिट्यूट जो लड़कियां हैं, औरतें वो भी हैं, जो टीनेजर हैं वो भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज भी हैं, बहुत सारी लड़कियां औरतें और हर जगह के। लेकिन उनकी पत्नी के आरोपों ने शमी को बदनामी का पोस्टर बॉय बना दिया है। नीली जर्सी पहने क्रिकेट स्टेडियम में उतरने के बाद, लेकिन तब तक मोहम्मद शमी एक खूबसूरत चेहरे पर लिखी मोहब्बत की कहानी में अपनी मंजिल भी तलाशने लगे थे। मोहम्मद शमी के उस इश्क का नाम था हसीन जहां। कोलकाता के नामी गिरामी ट्रांसपोर्टर मोहम्मद हसन की बेटी, एक उभरती हुई मॉडल, आंखों में बड़े पर्दे पर छा जाने का ख्वाब था और आईपीएल की महफिल में अपना मुकाम तलाशती निगाहें। निगाहें टकराई, मोहब्बत गहरी हुई, लेकिन खबर किसी को भी नहीं हुई। ये गुमनाम प्रेम कहानी भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इस कहानी का वो मोड़ जो आज थाने और कचहरी से गुजर रहा है। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर हत्या का प्रयास, बलात्कार, दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए कोलकाता के लाल बाजार थाने में बाकायदा FIR दर्ज कराई। इस FIR की वजह बना एक मोबाइल फोन। हसीन जहां के मुताबिक ये फोन उनके पति मोहम्मद शमी का है और इसी फोन से 7 मार्च को व्हाट्सएप चैट और फेसबुक के स्क्रीनशॉट समेत 11 पोस्ट हसीन जहां ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किए। हर पोस्ट का एक ही नाम, शमीज एंजॉयमेंट। अपने फेसबुक के जरिए हसीन जहां ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम ये कि शमी ने शर्म को ताक पर रख दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी। मोहम्मद शमी की जिंदगी में ये दिन शायद सबसे खराब दिन रहा होगा, क्योंकि 7 मार्च को शुरू हुए इस सिलसिले ने शमी को सामाजिक मर्यादाओं से खिलवाड़ का आरोपी बना दिया है। साउथ अफ्रीका से आया, साउथ अफ्रीका से आने के टाइम वो दुबई में रुका। पाकिस्तान की एक लड़की आलिशबा नाम की, उस लड़की को बुलाया, उस होटल में उसके साथ रहा, सेक्स किया उसके साथ, टाइम एक्सप्लेन किया, उसके बाद वो कोलकाता आया। मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन हसीन जहां कहती हैं कि उनके और शमी के बीच बहुत लंबे वक्त से कलह चल रही है। वो मुझसे खुला डिवोर्स मांग रहा है, मुझे मेंटल फिजिकल टॉर्चर कर रहा है, मर्डर तक करने की कोशिश करी, बहुत मतलब ऐसी कोई भी गंदी से गंदी हरकत इन लोगों ने मेरे साथ नहीं किया, समी और समी की फैमिली ने। आरोप अदालत में अपराध साबित ना होने तक आरोप ही होते हैं, लेकिन शमी की पत्नी ने इन आरोपों पर सबूतों की रोशनी भी डालने की कोशिश की। हसीन जहां के मुताबिक शमी के धोखे की कहानी एक मोबाइल फोन से सामने आई। आलिशा नाम की जो लड़की है, इसको साउथ अफ्रीका से वो 17 को निकला और ये इसका भी टिकट करवाया दुबई में, इसी लड़की के साथ स्टे किया
और सिंगल एडल्ट नाम का रूम बुक किया इसके नाम पे, और इन लोगों ने रूम शेयर किया, सेक्स किया, कैसे रोमांस करेगा, कैसे क्या करेगा, जनवरी से इन लोगों ने प्लानिंग करके इसको किया है। बीएमडब्ल्यू वो यूज करता है जब भी आता है, तो ड्राइवर सीट के नीचे जो लेग पैड है, कारपेट है, उसके नीचे 4 कॉन्डोम्स और एचटीसी फोन उसमें रखा हुआ था। इसी फोन से मिले व्हाट्सएप चैट को हसीन जहां ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सार्वजनिक कर दिया। नागपुर की एक लड़की पर आरोप लगाते हुए हसीन जहां ने चैट के स्क्रीनशॉट्स लगाकर फेसबुक पर लिखा, देखा मर्दों के साथ कैसे चैट करती है नागपुर की नागिन, शर्म है या बेच दी है इतनी सी उम्र में। मर्द है मेरे हस्बैंड क्रिकेटर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। हसीन जहां ने चैट के जो स्क्रीनशॉट फेसबुक पर शेयर किए हैं उनमें कई अश्लील बातें लिखी जिनको यहां दिखाना मुमकिन नहीं है। जो दिखाए जाने लायक है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर फोन सच में मोहम्मद शमी का है तो माजरा क्या रहा होगा। किसका दिल करता है फिर सोने का, मैंने आपको अपने बहुत करीब फील किया कल सच में, और मुझे पता नहीं क्या हो गया, आई गॉट लॉस्ट इन यू सीरियसली। हाँ मैंने शावर लिया फिर सो गई, आपको कैसा लगा? अच्छा आप एकदम मेरी बाहों में घुसकर अपने को प्यार करने लगी तो कितना देर कंट्रोल करेगा कोई। आपको फील बहुत ज्यादा हो गया था, रुकना नहीं चाह रही थी, वो तो मैंने कर दिया स्टॉप, वरना आप अपने पेन कर लेते। ऐसे तमाम चैट स्क्रीनशॉट्स हसीन जहां ने अपने फेसबुक पेज पर लगाए थे। शमी की पत्नी का कहना है कि कहानी महज कुछ लड़कियों तक नहीं रुकती बल्कि 50 से ज्यादा लड़कियों के साथ मोहम्मद शमी इसी तरह की चैट करते थे। लड़कियों का जो मुझे डिटेल्स पता चला है वो समी के वो एसटीसी फोन से चला है, तो मैंने तो 2-3 लड़कियों के दी है सिर्फ, लेकिन आप लोग अगर वो फोन देखेंगे तो ये शायद 50 से भी ज्यादा है। मतलब कितनी सारी लड़की हैं, और सिर्फ जो हमारे इंडिया की लड़की हैं ऐसी नहीं है, हमारे इंडिया के हर एक स्टेट की लड़की हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह की लड़की हैं, फिर अदर्स अदर्स कंट्री की लड़की हैं, हर जाति हर प्रजाति की लड़की हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। हसीन जहां ने अपने पति पर ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई मोहम्मद हसीब पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हसीब अमरोहा जिले में गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इन्हीं मोहम्मद हसीब पर भी हसीन जहां ने आरोप लगाए हैं। तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है, ये मेरे कमरे के बाहर में रूम के बाहर दरवाजे के पास समी ने ये मुझे बात कही, और रूम के अंदर में वो हसीब घुसा था, ठीक है। उसके बाद समी ने मुझे धक्का दिया उस रूम में, धक्का दे के समी ने वो दरवाजा लगा दिया और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करने की करता रहा वो। तो जब उसने मुझे पकड़ना गंदा काम करने की जब कोशिश करने लगा, तब जो है मैं बहुत बुरी तरह चीखी। जिस गेंदबाज ने दुनिया में भारतीय गेंदबाजी का सर ऊंचा कर दिया उसी की पत्नी के आरोप उसे सर झुकाने पर मजबूर कर रहे हैं। पत्नी कहती है कि जो अपनी गेंदों को सीमा रेखा के पार जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक देता था उसी शमी ने रिश्ते की सारी सीमाएं लांघ दी। लेकिन शमी का कहना है कि वो और उनका पूरा परिवार हमेशा मर्यादा में रहे। जैसे आपने देखा है कि मैं होली पे भी फैमिली के साथ था, मैं हर फेस्टिवल पे फैमिली के साथ रहता हूँ, बच्ची के साथ रहता हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ, सब कुछ अच्छा था। आने के बाद भी हम लोगों ने साथ में शॉपिंग की है, हम ज्वेलरी लेकर आए हैं, होली साथ में मनाई है, सडनली क्या हुआ है इसके पीछे मुझे कोई पता नहीं है। जो रिश्ता कभी घर की चार दीवारी के पीछे महफूज और खुशनुमा नजर आता था आज सरे रह हो गया है। हर कोई जानना चाहता है कि सच क्या है, लेकिन फिलहाल शमी की बीवी हसीन रिश्ते की डरावनी कहानी कहने में लगी है। हसीन के मुताबिक शमी का परिवार उनकी हत्या करना चाहता था। यूपी में ले जाके मारना पीटना धक्कम धक्का ये वो, तो और खाने में बहुत सारी चीज़ें मिला के देना, फिर उसके बाद बेड से 2-3 दिन नहीं उठ पाना मेरा, ये सब। इसके बाद डायरेक्ट ये बोलना कि उसके बड़े भाई को समी बोल रहा है उसके बड़े भाई से कि इसे मार के फेंक दो कोई जंगल में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे यार मार के फेंको जल्दी, कई बार समी ने ये लैंग्वेज की मतलब थ्रो किया।
एक प्रेम कहानी एक झटके के साथ बेवफाई, नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो गई है। शमी और हसीन जहां ने जो खूबसूरत दुनिया बसाने की सोची थी, अब वो उजड़ने की कगार पर है। आज तक उसके नाम में कोई जॉइंट अकाउंट भी बनाया नहीं। शमी लगभग 400 बीघा की जमीन का मालिक हूं, उनको भाई, उनका परिवार। अब वो अगर जांच होगा तो पता लगेगा कि शमी का इंक्वायरी से वो प्रॉपर्टी उन्होंने गजार किया। फिलहाल शमी और हसीन का रिश्ता नफरतों की आंधियों के बीच खड़ा है, लेकिन बीते दौर में क्रिकेट और ग्लैमर के संगम से इस रिश्ते की हसीन शुरुआत हुई। बात उन दिनों की है जब देश में नया नया आईपीएल का खुमार चढ़ा था और इस टूर्नामेंट में देश के कई होनहार क्रिकेटर स्टार बनने लगे थे। इन्हीं में एक नाम थे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के खिलाड़ी थे। आईपीएल 2012 में एक पार्टी के दौरान मोहम्मद शमी और हसीन जहां की मुलाकात हुई थी। 2 साल तक शमी और हसीन जहां के बीच अफेयर चलता रहा और 6 जून 2014 को मुरादाबाद के एक 5 सितारा होटल में दोनों ने शादी की। घर संसार बसा तो परिवार भी बढ़ा। शमी और हसीन जहां के घर एक बेटी पैदा हुई। शमी नाम का जो चेहरा प्रेम कहानी में धोखे, छल कपट और हवस के आरोप लगाकर खलनायक बना दिया गया, उसे क्रिकेट में नायक के कद तक पहुंचने में लंबा अरसा लगा है। ये मोहम्मद शमी का गांव है। इसी मिट्टी में शमी के पिता उसके बदन को एक फास्ट बॉलर की तरह गढ़ रहे थे। आज वक्त गुजर जाने पर मिट्टी में दब चुकी इसी सीमेंट के पिच पर मोहम्मद शमी गेंदबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। दिल्ली मुरादाबाद रोड पर बुढ़न पर कस्बे के पास मोहम्मद शमी का गांव है सहसपुर अली नगर। ये अमरोहा जिले में पड़ता है। आज गांव पहुंचते ही शमी प्रॉपर्टी और शमी फार्म हाउस के बोर्ड लगे दिख जाते हैं, लेकिन पहले इस गांव में शमी की पहचान सिर्फ लाला के नाम से होती थी। लाला उंगलियों में गेंद घुमाया करता था। जब शमी के पिता तौसीफ अहमद सीमेंट की पिच बना रहे थे, तब लोग नहीं जानते थे कि यहां क्या होने वाला है। सीमेंट की पिच से शमी अमरोहा और गजरौला के टूर्नामेंट खेलते खेलते टीम इंडिया का हिस्सा बन गए। तब लोगों को पता चला कि उनके गांव की मिट्टी पर भारतीय गेंदबाजी का भविष्य आकार ले रहा था। जी, हमने शमी भाई के साथ मिलकर एक तैयारी की थी। हम उन्हीं के साथ खेलते थे यहाँ पे, उनके साथ प्रैक्टिस, उन्हें प्रैक्टिस कराते थे सब लोग यहाँ पे, जितने भी गांव मोहल्ले के और गांव के लोग थे सब प्रैक्टिस कराते थे। पहले से ही काफ़ी मेहनती था, बचपन से ही क्रिकेट से लगाव था उसे, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करता था। आसपास के गाँव में भी जाके खेलता था तो उसे लोग पहले से ही कहते थे, बोले इंडिया टीम खेलेगा। शमी ने शुरुआत में अपने गांव की पिच पर जमकर मेहनत की। धीरे धीरे इलाके में शमी की बॉलिंग के चर्चे होने लगे। आसपास के जिलों में होने वाले टूर्नामेंट में बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही मोर्चों पर शमी अपनी छाप छोड़ते गए। तो रोहिणी वाला टूर्नामेंट है जो डे नाइट टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें शमी ने काफी अच्छी बॉल की थी और 4 विकेट लिए थे। मोहम्मद शमी इलाके में अपना नाम बना चुके थे, लेकिन उनके पिता तौसीफ चाहते थे कि बेटा टीम इंडिया के लिए खेले। उन्होंने शमी को मुरादाबाद कोचिंग के लिए भेजना शुरू किया। इस गांव से शमी का सफर तड़के ही अमरोहा रेलवे स्टेशन के लिए शुरू हो जाता था और उनकी मंजिल होती थी मुरादाबाद। मुरादाबाद पहुंच शमी कांट रोड के सुभाष चंद्र स्टेडियम में कोच बद्रुद्दीन सिद्दीकी से गेंदबाजी की कोचिंग लेते और फिर मुरादाबाद से ट्रेन पकड़कर शाम को गांव वापसी करते। कोच बद्रुद्दीन कहते हैं कि उस बच्चे के कंधे बहुत मजबूत थे, वो घंटों तक एक ही गति से गेंद फेंकते थकता नहीं था। जो हम चीज़ देखते हैं कि कितनी बच्चे में जान है फास्ट बॉलर बनने के लिए, आप इस पे क्षमता क्या क्या है, तो वो तेज़ भाग के आ रहा था और तेज़ गेंद कर रहा था, तो हमें उसी चीज़ ने उसकी इम्प्रेस किया। और फिर हमने उसके फादर से बताया कि मैंने कहा इसको आप छोड़िए हमारे पास, हम इस पे मेहनत करते हैं। शमी की बाजुओं में दम था,
पहाड़ सा हौसला था, लेकिन क्रिकेट के सुनहरे मौके उनसे कोसों दूर खड़े थे। इसलिए शमी के परिवार ने फैसला किया कि अपना गांव छोड़कर शमी को बाहर जाना चाहिए ताकि उसे बेहतर मौके मिल सके। बदरुद्दीन से कोचिंग लेने के बाद साल 2005 में करीब 16 साल की उम्र में क्रिकेटर बनने का सपना लेकर शमी कोलकाता पहुंच गए, जहां उन्होंने डलहौजी एथलेटिक क्लब से क्रिकेट खेलना शुरू किया। कुछ महीनों बाद शमी ने कोलकाता का नामी टाउन क्लब ज्वाइन कर लिया और यहीं से उन्हें टीम इंडिया में पहला मौका मिला। लेकिन फिलहाल शमी नाम का वो लड़का अपनी पत्नी हसीन जहान के चलते बदनामी के पोस्टर पर चस्पा है।